हमारे देश में चाय जीवन का एक अहम हिस्सा है। अब लोगों के दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण से नहीं बल्कि चाय की चुस्की से होती है। लेकिन एक और आदत है जो हम लोगों में खास पाई जाती है, वो है किसी भी डिश का देसी तरीका खोज लेना, जैसे चाय से निकली तंदूरी चाय। तो आइए आपको दिखाते हैं लखनऊ की गलियों में तंदूरी चाय कैसे बनाई जाती है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले भट्टी के ऊपर आ गया बड़ा सा पतीला जिसमें डाल दिया जाएगा ढेर सारा पानी। जितना इसमें कप चाय बनानी होगी उससे आधे पानी का यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है। भाई तंदूरी चाय है, कुछ तो अनोखा होगा ही ना। साथ में इसमें जाएगा तिगनी क्वांटिटी में दूध, तो आप सोच सकते हैं कितना सारा दूध डलने वाला है। अगर आप सोचेंगे तो सिर्फ दूध दूध की चाय हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इसमें होगा तंदूरी जायका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया एक एक करके सारी की सारी दूध की थैली खोलते जा रहे हैं। यहाँ पे फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करा गया है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दूध है जिसे पानी के अंदर डाल दिया गया और साथ में भैया ने कलछी लेके इसे चलाने शुरू भी कर दिया है। अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उछाल उछाल के इसे पकाया जा रहा है ताकि दूध बिल्कुल जल्दी से गाढ़ा हो सके और बिल्कुल अच्छी सी हमारी तंदूरी चाय बनके प्रस्तुत हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है। और दूसरी और अब बारी आती है अदरक कसने की। तो यहाँ पे ढेर सारी अदरक ली गई है, सारी की सारी अदरक को बढ़िया तरीके से कसा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही पुराना देसी तरीका कद्दूकस वाला, जिसपे सारी की सारी अदरक कद्दूकस कर दी गई है। अब इसे डाला जाएगा दूध के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी अदरक भी जा चुकी है दूध के अंदर। अब इसे फुलाया जाएगा, मतलब अच्छे से पकाया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए दूध ने सारा पानी अपने अंदर सोख लिया और दूध जो है ना बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसे दोबारा से उछाल उछाल के पकाया जाएगा। अब आप सोचोगे इसे इतना उछाला क्यों जाता है, क्योंकि जो हम आमतौर पे चाय बनाते हैं उसे तो नहीं उछाला जाता, इसी से इसका जो स्वाद है ना वो दुगना हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध भी उखाड़ चुका है, तो इसमें बारी आ गई चाय पत्ती की। तो भैया ने इसमें डाल दी ढेर सारी चाय की पत्ती और इसे दोबारा से उछालना शुरू कर दिया। जब तक इसमें अच्छा सा रंग नहीं आ जाता ऐसे ऐसे ही उछाल उछाल के पकाया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए रंग आना भी शुरू हो चुका है धीरे धीरे करके, इसे दूध कैसे गर्म होता जा रहा है, पकता जा रहा है, चाय बिल्कुल उबलती जा रही है और जो दूध का रंग है ना वो बिल्कुल बढ़िया सा होता जा रहा है, बिल्कुल चटाक होता जा रहा है। अब बारी आ गई चीनी की, तो इसमें जाएगी ढेर सारी चीनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया ने अपने अनुसार ही सारी की सारी चीनी को ऐसे उछाल उछाल के डाला था। मेरे को तो लगता है भैया का यही अंदाज था हर चीज को उछाल उछाल के डालने का। तभी कहते हैं लखनऊ वाले की इनकी चाय की तो भाई बात ही अलग है। आज यहाँ पे देखिए कैसे उछाल उछाल के चाय को पकाया जा रहा है। देखते ही मन कर रहा था भैया एक कप मेरे को ऐसे ही दे दो, ऐसे ही पी के मेरे को तो संतुष्टि मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप भी चाय के दीवाने ना तो ऐसे देख के आपका भी मन तो कर ही जाएगा चाय पीने का, है ना। जितने ज्यादा इसमें झाग आएंगे उतने ही ज्यादा फ्लेवरफुल होगी हमारी चाय, इसीलिए इसको अच्छे से उछाल उछाल के पकाया जाता है। और जैसे ही चाय पकनी शुरू हो जाएगी इसे दोबारा से उछाला जाएगा बिल्कुल, ताकि ये बर्तन से बाहर ना हो तब भी इसका स्वाद जो है वो दुगना हो सके। अब दूसरी ओर जो है तंदूर तैयार करा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे कोयले इसमें डाल दिए गए हैं। धीरे धीरे करके छोटी छोटी ये मटकियां जो आप देख रहे हैं जिसमें हमारी चाय पकने वाली है इनको भी डाल दिया जाएगा, इन्हें भी अच्छे से पकाया जाएगा कोयलों के ऊपर। दूसरी ओर जो हमारी चाय खोलनी शुरू हो चुकी है। अब तक आप सोच रहे होंगे इसमें अनोखा क्या है, ये तो वही अपनी देसी चाय जो हर घर में रोजाना बनती है, मगर अब इसमें जाएगा इनका स्पेशल पाउडर जो इसे बनाता है और भी ज्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल अतरंगी। भाई यही पाउडर का मेन स्वाद है, जो इसकी एक बार जो चाय पी लेता है ना वो इसका दीवाना हो जाता है। यही चाय फिर आपको पसंद आती है, कोई और चाय तो पसंद ही नहीं आती। अब देखिए इनका अनोखा चाय छानने का तरीका। तो इन्होंने एक बड़ा सा ड्रम ले लिया जिसपे लगा लिया एक कपड़ा, कपड़े के द्वारा सारी की सारी चाय को छाना जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इस गरम गरम चाय के पतीले को लिया जाएगा और इसे डाल दिया जाएगा इस ड्रम के अंदर, जिसके आगे आप देखिए छोटी सी कूटी भी लगी हुई है और इसी ड्रम में सारी की सारी चाय जो है वो हमारी छन के तैयार हो जाएगी। इनका अनोखा छानने का तरीका देख के ना मेरे को बड़ी खुशी, जैसे ही सारी की सारी चाय छन के तैयार हो जाएगी इस कपड़े को लिया जाएगा और इसे अच्छे से मसल के सारी की सारी चाय को इस कपड़े में से भी निकाला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया ने सारा का सारा कपड़ा पकड़ लिया है, इसको घुमाना शुरू कर दिया ताकि जितनी भी इसके अंदर चाय है वो निकल सके और सिर्फ चाय की पत्ती रह जाए। तो आप यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा बर्तन ले लिया गया, उस पे इसे टिका लिया गया, जितनी भी चाय ना सबको अच्छे से निकाल रहे। भाई मेरी मम्मी भी यही करती है, बिल्कुल एक भी चाय की बूंद ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्या ये आपके घरों में भी होता है तो मेरे को जरूर बताइएगा। अब इस बर्तन को कर दिया गया बंद और दूसरी ओर जो हमारी मटकी सिक रही थी ये भी सिक के तैयार है, तो इसको ले लिया जाएगा और अब इसके अंदर डाली जाएगी सारी की सारी चाय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी चाय इसके अंदर डाली जा रही है
और इसके अंदर डालने के बाद जो बाहर वाला बर्तन है ना उसमें भी चाय भरी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चाय अच्छे से भर ली गई है। अब इसे घुमाया जाएगा अच्छे से और जैसे ही चाय बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी उसमें बिल्कुल एक अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। इसको ले लिया जाएगा छोटे छोटे से ग्लास में जो कि बने थे मिट्टी के। भाई ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब भी मिट्टी के जो ग्लास है उनमें चाय परोसी जाती है क्योंकि इनमें जो स्वाद आता है ना चाय का वो किसी और बर्तन में तो आ ही नहीं सकता। अब हम चाय ले और उसके साथ टोस्ट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब हम दिखाएंगे आपको कैसे तैयार होता है लखनऊ के फेमस टोस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले अमूल बटर को काटा गया, ढेर सारा अमूल बटर यहाँ पे लिया गया था और ये आ गए छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बन। तो इनको अंदर से खोला जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मीठे वाले बन थे जिनका स्वाद ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इनको देखने के बाद ना आपको भी मन कर जाएगा, तो आप भी इंतजार मत करिएगा, जल्दी से बन लाइएगा। उस पे लगाइएगा ढेर सारा मक्खन जैसे कि भैया ने लगाया था और ये मक्खन वाले बन खा के ना बड़ी संतुष्टि मिलती है, आप भी जरूर खाइएगा। अगर आप किसी भी परेशानी में ना ये बन और चाय खा लीजिए, मेरी बात मानिए, आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी और इतना आनंद और सुकून मिलेगा ना जो किसी और चीज में तो हो ही नहीं सकता। अब तीनों के तीनों बन को इसके अंदर डाला जाएगा और इन्हें सेका जाएगा इसी तंदूर के ऊपर। तो आप सोच सकते थे तंदूर का फ्लेवर निकल के आता है तो भाई उसके तो क्या ही कहने, वही अपना देसी स्वाद और इसका स्वाद का तो भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई भी टोस्टर हो इसके आगे भाई फेल ही है। और यहाँ पे हमारे तंदूर बन भी मस्का मार के तैयार हो चुका है। तो भाई मेरे को तो ये खाना ना बिल्कुल सेटिस्फाइंग लगता है, आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, आप भी खाइएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।